नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक एम्प्लीफाई में। दोस्तों फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme X7 Max वर्सेस IQOO 7 कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट गेमिंग के लिए और बेस्ट कैमरा या फिर ऑलराउंडर फोन कौन सा माना जा सकता है। दोनों ही फोन में 2-4 हज़ार रुपये का ही अंतर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और पता करते हैं कौन सा स्मार्टफोन विनर होने वाला है इस वीडियो का। इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। वीडियो आगे चल के थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक तो दे ही देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले कंपैरिजन की कि सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको किस स्मार्टफोन में देखने मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं IQOO 7 में, तो आपको इसमें 6.62 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है, जिसमें आपको रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने मिलता है। और बात करें Realme X7 Max में, तो आपको इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें भी सेम आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल देखने मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर की। तो सबसे पहले बात करते हैं IQOO 7 में, तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि अब तक का क्वालकॉम का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। और अब बात करते हैं Realme X7 Max में, तो आपको इसमें MediaTek Dimensity 1200 प्लस 5G प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि MediaTek का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। तो आपस में प्रोसेसर की कंपेरिजन करके देखें तो बेस्ट गेमिंग फ़ोन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको उसमें लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं बैक कैमरा कंपेरिजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं IQOO 7 में, तो आपको इसमें बैक में ट्रिपल रियर बैक कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसमें पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, दूसरा कैमरा 30 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली कर पाओगे। अब बात करते हैं साथ ही साथ Realme X7 Max की, तो आपको इसमें भी बैक कैमरा ट्रिपल रियर बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो इसमें आपको पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग सेम एज 4K रिकॉर्डिंग 30-60fps पर आप कर पाओगे। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरे की, तो IQOO 7 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप 1080p यानी कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30fps पर। और अब बात करें Realme X7 Max में, तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा तो देखने को मिलता है, इसमें भी आप 1080p यानी कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30fps पर। अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के रैम एंड रोम ऑप्शंस की, यानी कि आपको कौन कौन से वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं IQOO 7 में, तो आपको इसमें 2 रैम ऑप्शन एंड 2 रोम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें रैम ऑप्शंस की बात करें तो आपको इसमें एक तो 8GB रैम एंड 12GB रैम देखने मिलती है। और रोम ऑप्शंस की बात करें कि इंटरनल स्टोरेज की, तो 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने मिलती है। और बात करें Realme X7 Max में, तो सेम एज IQOO 7 आपको इसमें भी 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिसमें रैम ऑप्शन है 8GB रैम एंड 12GB रैम। और रोम ऑप्शंस की बात करें तो 128GB रोम ऑप्शंस और दूसरा है 256GB रोम। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको दोनों स्मार्टफोन में सिंगल वेरिएंट में आपको जिसकी प्राइस बताने वाला हूँ वो वाला है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं IQOO 7 में, तो IQOO 7 में आपको 8GB रैम एंड 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 32,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। और बात करें Realme X7 Max में, तो जो कि 8GB रैम एंड 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 27,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। अब दोनों स्मार्टफोन में आप ऑफर वगैरह लगा के 1-2 हज़ार रुपये सस्ते करवा सकते हो, ऑफलाइन भी आपको थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार रुपये सस्ता देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फाइनली इस वीडियो का विनर कौन सा स्मार्टफोन रहता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एक ऐसे स्मार्टफोन ढूंढना चाह रहे हो जिसमें आप बेस्ट गेमिंग कर पाओ,
काफ़ी अच्छी गेमिंग करवाओ, चाहे वो बैटल ग्राउंड हो, चाहे सीओडी, चाहे वो फ्री फायर हो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी गेम हो जिसमें आपको ना तो लैग देखने को मिले और हाई सेटिंग में आप खेल पाओ, तो उसके लिए आपको IQOO 7 खरीदना चाहिए। और यदि आप वैसे गेमिंग के मामले में दोनों स्मार्टफोन आपको बराबर से देखने को मिलेंगे, फिर भी 19-20 का फ़र्क आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, और उसमें भी आपको 20 देखना है यानी कि सब बेस्ट देखना है, तो आपको IQOO 7 मेरे ख्याल से लेना चाहिए, बेस्ट डील आपको देखने को मिल रही है। और बात करें ऐसे स्मार्टफोन की जो कि कैमरे के लिए बेस्ट हो, तो मेरे ख्याल से दोनों स्मार्टफोन में कैमरा कंपेरिजन करके देखें तो आपको Realme X7 Max देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इनके बीच में एक और स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है जो कि है Realme X7 Pro, उसमें बैक कैमरा आपको इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट देखने को मिलता है। तो कैमरे के मामले में आपको Realme X7 Pro देखना चाहिए और गेमिंग के मामले में आपको IQOO 7 देखना चाहिए। और ऑलराउंडर फ़ोन लेना चाहते हो, मतलब आपको अच्छी खासी गेमिंग भी हो जाए, थोड़ा बहुत कैमरा भी मिल जाए और थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, तो Realme X7 Max की तरफ भी आप जा सकते हो, लुकिंग भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो देना ही है जैसा कि आपको पता ही है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, जरूर से करना है, बेल आइकन को ऑल पर भी क्लिक कर देना है। मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।